सो वेलकम बैक गाइस, और एक और नए शानदार वीडियो में आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और आज का ये वीडियो एक हैक होने वाला है कि आप मतलब आजकल के जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आप जो टच स्क्रीन है उसको आप कैसे डिसेबल कर सकते हो। यानी कि जैसे कि अभी ये देखो, मैं ये से स्क्रॉल कर रहा हूँ, जो भी टच कर रहा हूँ, जो भी ओपन कर रहा हूँ वो ओपन हो रहा है। लेकिन जब भी आप देखेंगे ये सारा ओपन हो रहा है, लेकिन जब आप इसको डिसेबल करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है कि अगर आपको किसी के दोस्त के साथ ऐसा करना है, या फिर कुछ भी आप मजाक में करना हो, या फिर आपको ज़रूरत हो इसकी कि आपको बस फ़ोन आपको ऑन करके छोड़ना है, और आप मतलब कि आपको स्क्रीन टच नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये कुछ बताने वाला हूँ, ये हैक तो नहीं है, मतलब टच स्क्रीन है उसको आप डिसेबल कैसे कर सकते हो वही बताऊंगा। सिंपल सी बात है, इसमें अब क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो पे आए हो इसका मतलब आप कुछ सोच के ही आए हो कि आप ये जो स्क्रीन है उसको हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं स्मार्टफोन की स्क्रीन को। जैसे कि अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नो डाउट सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, ये मेरा एक चैनल है, तो आप ये भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, देख सकते हैं आप। ये लास्ट वीडियो 2 मंथ्स पहले का है, अभी तो वीडियो कोई अपलोड नहीं किया है। ये मेरे कुछ वीडियो है तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी, और आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं मेरे चैनल पे, और वहाँ पे अगर आपको कोई और यूज़फुल वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो ओपन करनी है और वहाँ से ये प्रोसेस होगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब टच स्क्रीन डिसेबल होने के बाद आपका कुछ और ओपन होगा ही नहीं, मतलब आपका फ़ोन ही पूरा बंद हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। मतलब कि आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है डिसेबल टच, ठीक है, इसको आपको क्या करना, अनेबल टच कंट्रोल कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अभी भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन आपको इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे लिखेगा डिसेबल टच, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कुछ भी टच नहीं हो रहा है, मैं टच कर रहा हूँ लेकिन टच नहीं हो रहा है, देखिए यहीं पे रुक गया है। लेकिन आप पीछे करेंगे तो ये यहाँ से मान जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये है ना, ये देखिए ये चीज़ मान जाएगी, लेकिन इस पर टच करोगे तो नहीं मानेगा। ठीक है, अभी इसको अनेबल कैसे करना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको स्क्रॉल करोगे, अनेबल टच कर देना है इसको आपको। अभी देखिए ऑटोमेटिक टच हो रहा है, देखिए मैं टच कर रहा हूँ तो टच हो रहा है। अभी यहाँ पे अब ये बताना चाहता हूँ कि टच वहाँ पे सिर्फ ये स्क्रीन होती है ना वो रहेगी, मतलब जहाँ पे आपको कोई थर्ड पार्टी एप्स है वो चलाने, जो सिस्टम की चीज़ें हैं वो आपको, जैसे कि ऐप डिज़ाइन किया तो कुछ सोच के किया होगा कि आप जो ये ऊपर वाला स्क्रॉल वाला सिस्टम है ना ये तो ओपन रहेगा, और ये जो आपका नेविगेशन बटन्स होते हैं वो भी ओपन रहेंगे। जैसे कि ये पीछे जैसे कि ये है, ये पीछे वाला है, जो भी ये होम वाला है कुछ भी है वो सारे ओपन रहेंगे, और ये भी ओपन रहेंगे, लेकिन जो अंदर वाला है ये कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हो रहा है, लेकिन मैं इसको एक बार डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं डिसेबल कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिए कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, मैं बस यहाँ से छोड़ ही दिया है मैंने ऐसा करके, कुछ भी नहीं हो रहा है, टच कर रहा हूँ फिर भी, और यहाँ से आप अनेबल टच वापस कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ें। आज की वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।